वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली प्राची। मैं हूँ प्राची, मैं बहुत अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सारे लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ से वाराणसी के घूमने वाला व्लॉग शुरू हो रहा है। तो हम लोग मम्मी पापा को रिसीव करके होटल चले गए थे, और बनारस की गलियाँ सच में यार बहुत घूमने वाली है। अगर एक गली भी मिस हुई ना तो आप घूम जाओगे। हम लोग एक बार घूम चुके थे तो वहाँ से हम लोग निकले। उसके बाद फिर शाम में हम लोग तैयार व्यार होके चले गए सीधा दर्शन के लिए। तो मम्मी तो यहाँ पे एकदम ना स्पीड में थी, सबसे आगे रह रही थी। तो हम लोग रुके थे गदोलिया चौक बोल के एक जगह है, जहाँ से कि काशी विश्वनाथ मंदिर वगैरह बहुत पास पड़ता है, उसके आसपास ही हम लोग रुके थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो ये देखो, ये है वो गदोलिया चौक, और यहाँ से हम लेंगे राइट। तो यहाँ से 400 मीटर की दूरी पे मंदिर था, तो हमने वहाँ पे ना रिक्शा ले लिया, जो भैया लोग ऐसे चलाते हैं ना वो वाले रिक्शे। तो रिक्शा लेके हम लोग पहुँच गए मंदिर। यहाँ पे मंदिर में फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है, तो बाहर में ही हमने फ़ोन वगैरह, जो बहुत सारे ना शॉप मिल जाएंगे आपको जहाँ पे फूल वाले लोग रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप फ़ोन जमा कर सकते हो। अंदर में भी फ्री काउंटर है जहाँ पे भी आप जमा कर सकते हो, हमें नहीं मालूम था तो हमने बाहर ही रख दिया था। तो बाहर में हम लोग फ़ोन वगैरह जमा कर दिए थे। और ये जो दरवाज़ा है ना, ये गेट नंबर 4 का है। तो यहाँ से हम लोग दर्शन वर्शन करके फिर निकल गए थे। तो दर्शन के बाद यहाँ पे हम लोग सब कोई चाय पी रहे हैं, और हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हो गया था। मतलब आधे घंटे में हमने दर्शन कर लिया, और बहुत अच्छे से दर्शन कर लिया। बाहर निकलने के बाद ये कुल्हड़ वाली चाय दिखी, तो हम सारे लोग वहाँ बैठ के चाय पी रहे थे, और मिष्टी पता नहीं शायद चॉकलेट खा रही थी जो कि मेल्ट हो गया था, उसे अच्छा नहीं लगा था। बैठ जाऊँगी, आ रही हूँ। दिक्कत होगा क्या? ट्राईपॉड लेके आई हूँ लेकिन बैग में ही रखी। मम्मी बताओ, दर्शन करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिला। सही है, इधर देख क्यों, इधर देख क्यों, अभी सुकून नहीं मिला है। तो एक तो इनको पहली बार आना नहीं था, टिकट करवाने के बाद बोल रहे थे कैंसिल करवा दो, और अभी बोल रहे हैं सुकून नहीं मिला। अब चलते हम लोग गंगा आरती के लिए। तो यहाँ हम लोग आ गए थे घाट पे गंगा आरती के लिए, और बहुत पहले आ गए थे। एक्चुअली आप पहले आओगे ना तो बहुत अच्छे से आपको बैठने की जगह मिल जाएगी। देखो हम लोग सामने ही बैठे, तो ऐसे लाइन में लग के बैठे थे लोग, और धीरे धीरे इतनी भीड़ बढ़ती जा रही थी ना। हम लोग यहाँ पे 5:30 के करीब पहुँचे थे, और उसके बाद यहाँ पे 7 बजे से शुरू हुई थी आरती। उसके बाद जो भीड़ बढ़नी शुरू हुई थी ना, कि क्या ही बताऊँ, बहुत भीड़ थी। लेकिन हाँ, आप लगातार वहाँ बैठे रहोगे ना, पूरा प्रोसेस देखोगे आरती का, तो बहुत अच्छा लगेगा। टोटल हम लोग 2-2.5 घंटे यहाँ पे रहे थे, 2-2.5 घंटे में हमने पूरी आरती देखी है। और यहाँ पे एक बच्ची थी जिन्होंने ना, जिसने कि शिव जी का गेटअप लिया हुआ था पूरा, और वो सब जगह सबको टीका लगा रही थी। बदले में कुछ लोग उसे कुछ पैसे वैसे दे रहे थे, साथ में सेल्फी ले रहे थे, तो अच्छा था, बड़ी प्यारी सी बच्ची थी वो। आरती ख़त्म करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले थे, और फिर हमारे एक भैया हैं तो वो आए थे, वो हमें लेके गए काशी चाट भंडार, जो कि बहुत ही फेमस है। आपने बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो में बनारस से रिलेटेड जो वीडियो बनाते हैं वहाँ देखा होगा। तो हम लोग वहाँ गए थे, और हमने वहाँ पे जाके बहुत कुछ खाया है। बहुत ही छोटी सी दुकान थी, अंदर बहुत कॉम्पैक्ट सा सीटिंग था, लेकिन अच्छे थे खाने पीने के। तो यहाँ पे वो टिक्की वाले चाट वगैरह सब बना रहे, हमने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की थी। तो हमने सबसे पहले ऑर्डर किया था पानी पूरी, तो ऐसे वो मसाला भर के दे देते हैं, और
छोटा वाला जो पेपर वाला कप आता है उसमें पानी देते हैं। फिर ये था टमाटर चाट, तो हमने पहले पानी पूरी फिर चाट इन्जॉय किया। उसके बाद ना हमने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की, तो हमने वहाँ पे ना पानी पूरी और टमाटर चाट के बाद ना वो दही पूरी भी ऑर्डर किया था जो कि बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे मैंने वो नहीं लिया था स्पेशली, हम लोगों ने सब कुछ अलग अलग नहीं एक एक प्लेट सब कुछ मंगवाया था और सब लोगों ने मिलके खाया था, तो बहुत टेस्टी थी सारी चीज़ें, बहुत अच्छे था, बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ लेके आए थे हमारे एक भैया, तो मिल बाँट के हमने सब कुछ खाया। और एक चीज़ थी जो मैंने पहले खाई है लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन इन लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा था, तो वो था कुल्फ़ी फलूदा। तो उसके बाद हम लोग बहुत थक गए थे। दूसरे दिन हम लोग सुबह सुबह उठ के गए काल भैरव के मंदिर, क्योंकि दूसरे दिन ही हमारी ट्रेन भी थी, हम लोग ज़्यादा दिन रुके नहीं थे। तो वहाँ जाने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे काल भैरव जी के दर्शन किए। कैसा लग रहा है मिशी, मज़ा आ रहा है? तुमको तो नहीं उठना था सुबह, बोलो। पंखा वाला टॉय खरीदेंगे बेटा, क्या बोले भैया? उधर आगे बैठी थी वो, उनके साथ बैठी थी, सो रही थी कभी। काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे मनी मंदिर। तो हम लोगों के पास ना टाइम बहुत कम था, एक दिन मम्मी पापा आए थे और दूसरे दिन हम लोगों को निकलना भी था, क्योंकि नहीं था उतना टाइम और गर्मी भी बहुत थी ना, तो दिन में घूमना पॉसिबल नहीं हो रहा था। जिस दिन मम्मी पापा लोग आए शाम में, हम लोग वहाँ पर दर्शन कर लिए विश्वनाथ जी के, दूसरे दिन काल भैरव मंदिर, यहाँ पे मनी मंदिर में, फिर हनुमान जी के मंदिर में। तो ऐसे जगह करके ना हमने दर्शन किया। हमारा एक मंदिर बाकी रह गया था, वो था अन्नपूर्णा मंदिर, क्योंकि वो समाओ किसी का कॉल आ गया था, तो किसी की हमारे रिलेटिव में डेथ हो गई थी, तो हम लोग फिर मंदिर जा नहीं सकते थे, और वही बस एक मंदिर रह गया जाना। और सोचा था हमने कि थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करेंगे, तो फिर हमने वो भी नहीं की क्योंकि गर्मी बहुत थी वहाँ पे। तो ये मनी मंदिर में ही ना गौशाला है, आप वहाँ पे चाहो तो कुछ खिला पिला सकते हैं गायों की, गौ सेवा के नाम पे वहाँ पे आप दे सकते हो कुछ चाहो तो। तो हम लोग वहाँ से सब कुछ कर करा के मंदिर में दर्शन वर्शन निकल के आ गए कचौड़ी जलेबी खाने, जो कि पहले मैंने बोला था कि नहीं खाऊंगी, लेकिन एक बार टेस्ट करने के बाद ना वो इतना अच्छा लगा ना कि खाया मैं ही मैंने। और सच बता रही हूँ, बनारस जाके कुछ खाओ नहीं खाओ कचौड़ी जलेबी और सब्जी खाना बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पे हम सारे लोगों ने नाश्ता किया और उसके बाद सीधा चले गए होटल, वहाँ पे एक दो घंटे रेस्ट किया हमने, और फिर यहाँ हम लोग निकल चुके थे ट्रेन पकड़ने के लिए। तो नाश्ता हमने फुल एकदम हेवी किया हुआ था, तो हमारा लंच करने का कुछ खास मन नहीं था, तो हमने निकलते वक्त बनारस आए और एक लस्सी बच गई थी, उसे भी पीना था जाते जाते, तो हम सारे लोगों ने यहाँ पर लस्सी लिया और इन्जॉय किया। तो लस्सी में ओवरऑल बोलूँगी कि मुझे बहुत एकदम अच्छा नहीं लगा, ठीक ठाक था, मीडियम था टेस्ट उसका। तो लस्सी पी के हम लोग निकल गए थे स्टेशन के लिए, और एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो स्टेशन पहुँचने के बाद पता चला था, पहुँचने के बाद पता चला था कि 2 घंटे ट्रेन लेट थी। अगर हमें पहले पता रहता तो हम होटल में ही रहते, लेकिन अब क्या कर सकते थे, आ ही गए थे तो हम लोग स्टेशन पर ही बैठे और गर्मी बहुत तेज़ थी। तो बस, तो ये था मेरा बनारस का छोटा सा व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।